इतना बड़ा बलून है ना चिंटी? एक सेकंड, ये आया कहाँ से? मेरे पापा जरूर अफ्रीका से लाए होंगे। क्या तेरे पापा अफ्रीका गए थे? तो तुझे वहाँ पर छोड़कर क्यों नहीं आ गए? अरे नहीं खुशी, क्या है ना, प्लेन में 50 kg से ज्यादा वेट नहीं जा सकता। क्या बोला रिंकू? कुछ रुको रुको रुको, नहीं पीछे पीछे मैं। अच्छा वैसे ये यहीं पे खड़ा रहता है या फिर उड़ता भी है? उड़ता है ना, बट तभी जब हमारी मर्जी होती है। अच्छा तो उड़ा के दिखाओ। उड़ा के दिखाऊं? अचानक यहाँ कैसे आ गया और सारे बच्चे इस बलून के अंदर कैसे पहुंच गए? अब दिखेगा तुम्हें मेरा मैजिकल हॉट एयर बलून। ये बलून बच्चों को कहाँ ले जा रहा है? मुझे इस बलून को रोकना ही होगा। ओह नो, मैं तो अपना मैजिक भी यूज नहीं कर सकता, कैसे बचाऊं? कोई जरूरत नहीं है प्रेगनेंसा। वैसे भी ये पावरलेस विवान आखिर क्या कर लेगा? और अच्छा ही है, ये सारे के सारे एक साथ है। अब इन सब में से एक साथ ही मैं परी तारे की शक्तियां उस मैजिकल मिरर में सब कर लूंगा। एक मिनट, हो सकता है ये हमारे लिए कोई सरप्राइज हो। व्यू तो देखो, वाओ। सपना नहीं देख रहे हो बालवीर, मैं सचमुच तुम्हारे सामने हूं। तुम्हें क्या लगा था भयमार खत्म? मार दिया तुमने भयमार को। तुम भूल गए बालवीर, बुराई कभी खत्म नहीं होती, बुराई अमर है और अच्छाई अजय होती है भयमार। तुम दोनों चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अच्छाई को कभी नहीं हरा सकते। और
कितना सुंदर प्लैनेट है ना। हाँ। ये ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, उसके बाद थर्मोस्फेयर, और उसके बाद चुप। और व्यू देख, बलून के नीचे सेंसर बॉम्ब है, अब इसे सेफली नीचे कैसे उतारा जाए। बालपरी, मुझे हेल्प चाहिए। लेकिन विवान, हम भी अगले 8 घंटे तक वीरलोक के सुरक्षा कवच से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और नेक्स्ट डेट है उस तक मैं भी अपनी बावर्स यूज नहीं कर सकता हूँ, तो फिर बलून को सेफली कैसे नीचे उतारूं? विवान चिंता मत करो, मैं शौर्य से बात करके कोई दूसरा रास्ता ढूंढती हूँ, तब तक तुम वहाँ की स्थिति को संभाल कर रखो। ओके बालपरी। चिंटू भैया, गैस बलून में बैठ के गैस छोड़ रहे हो? इतने अच्छे व्यू के बीच में भी तूने पोल्यूशन कर दिया, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है चिंटू। इस पूरे बलून में हम 5 लोग हैं और पूरा डाउट सिर्फ मुझ पे जा रहा है। जिसमें ज्यादा गैस होगी उसी पे तो शक जाएगा। तेरी तो रिंकू क्या है? एक सेकेंड, ये तो किसी चीज की जलने की स्मेल है। हाँ। अरे वो देखो, ये तो बलून जल रहा है। हाँ? चिंटी, तू भी कर। अरे फूंक मारने से क्या होगा, आग थोड़ी ना बुझ जाएगी। हम तो जितना हो रहा मुद्दा तो करें ना रिंकू। हाँ, फूकने वाले तो क्या करे, फायर ब्रिगेड किट को फोन लगाए क्या? तू भी फूंक मार। Let us see, Baalveer, कि तुम अकेले इस बुराई के डबल डोज को कैसे झेल पाओगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।